भारत का आयुर्वेद के साथ सदियों पुराना नाता है और इसमें हर परेशानी का हल मौजूद है। इसमें ना तो आपको ज़्यादा दवाइयाँ लेनी होती है और ना ही आपको इंजेक्शन लगवाने पड़ते हैं। आयुर्वेद के पिटारे में एक शानदार औषधि है जिसका नाम शतावरी है। ये एक पौधा है जिसकी जड़ों को आयुर्वेद में अमृत कहा जाता है। शतावरी पुरुषों के काफ़ी काम आती है, लेकिन महिलाओं के लिए ये किसी वरदान से कम नहीं है। इसका स्वाद कड़वा होता है, लेकिन इसके अंदर कई बीमारियों का हल मौजूद रहता है। इसे जादुई औषधि के नाम से भी पुकारा जाता है और ये आपके शरीर को रोग मुक्त बनाने में माहिर है। हेलो दोस्तों, मैं हूँ एचके मालाकार। स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल एनएच गुरु में। अगर अभी तक आपने इस चैनल एनएच गुरु को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को भी दबा दे, ताकि मेरे सारे वीडियो सबसे पहले पहुँचे आप तक। विटामिन की खान है ये औषधि, जिन्हें हम शतावरी के नाम से जानते हैं। अमृत कही जाने वाली इस औषधि को विटामिन की खान भी आप कह सकते हैं। इसमें कई ऐसे विटामिन मौजूद होते हैं जो काफ़ी कम चीज़ों में पाया जाता है। इसके साथ साथ विटामिन B1, विटामिन ई भारी मात्रा में मौजूद है। इनके साथ साथ फोलिक एसिड का भी शतावरी चूर्ण को काफ़ी बेहतरीन स्रोत माना जाता है। इसके इस्तेमाल से शरीर में कहीं भी सूजन नहीं आती है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं। इसको खाने से यूरिन में परेशानी भी दूर हो जाती है और फूड पाइप भी बेहतर काम करती है। औरतों के लिए शतावरी चूर्ण के लाभ सबसे ज़्यादा हैं। स्वस्थ प्रजनन प्रणाली को बढ़ावा देने में शतावरी का काफ़ी बड़ा योगदान होता है। शतावरी चूर्ण प्राकृतिक रूप से फाइटोएस्ट्रोजन नामक हार्मोन्स होते हैं, जो कि महिलाओं के स्वस्थ प्रजनन प्रणाली के लिए जिम्मेदार होते हैं। यह गर्भाशय को तो मजबूत करता ही है, साथ ही बच्चा होने के बाद स्वास्थ्य लाभ और स्तनों में दूध के स्तर को भी स्वस्थ बनाता है। रजोविनति के समय भी काफ़ी मदद करती है यह शतावरी का सेवन। शतावरी चूर्ण सर्वोत्तम ऊर्जा देता है और अपने शीतल स्वभाव के कारण रजोविनति के समय होने वाली समस्याओं जैसे गर्मी की लहरें, रातों को पसीना आना, याददाश्त कम होना और चिंता को भी संतुलन में ले आता है। जो हार्मोन्स पहले से संतुलन होते हैं उनका भी यह काफ़ी अच्छा ख्याल रखता है। योनि के संक्रमण का कारण बनने वाले कैंडिडा बैक्टीरिया को ख़त्म करने के लिए भी शतावरी चूर्ण जाना जाता है। जब लगातार इसका प्रयोग किया जाता है तो यह पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम के इलाज में भी काम आता है। शतावरी चूर्ण हर स्थिति में शरीर के प्रतिरोधक को बढ़ावा देता है, चाहे वह सामान्य हो या फिर प्रतीक्षा को दबाने की स्थिति हो, जिसकी वजह से प्रतीक्षा प्रणाली को बढ़ावा भी मिलता है और स्वस्थ भी होती है। शतावरी में प्राकृतिक एंटीऑक्सीडेंट गुण पाए जाते हैं। मुक्त कणों को कम करना और अल्सर को बनने से रोकना, जो कि गैस्ट्रिक क्षेत्र के अंदर की परत होती है, शतावरी के खास गुणों में से एक है। पाचन तंत्र और आंतों को स्वस्थ का ध्यान भी रखती है। अगर आप शतावरी का सेवन करते हैं तो आपका जो पाचन तंत्र है और आंत जो है उसका खास ख्याल रखती है शतावरी। शतावरी एक ऐसी श्रेष्ठ जड़ी बूटी है जो आंतों की सफाई भी करती है और पाचन इंजाइमों की सक्रियता पर भी प्रभाव डालती है। अब हम बात करते हैं पुरुषों के लिए कितना फ़ायदेमंद है। तो मैं आपको बता दूँ, शतावरी जो है पुरुषों के लिए भी काफ़ी फायदेमंद है। हम जानेंगे कि पुरुषों के लिए ये क्या कर सकता है। महिलाओं की प्रजनन प्रणाली के साथ साथ यह पुरुष प्रजनन प्रणाली के लिए भी लाभदायक है। शतावरी के प्रयोग से पुरुषों के प्रजनन तरल पदार्थ बढ़ते हैं, स्वस्थ शुक्राणुओं का विकास होता है और पौरुष बढ़ता है। यह पुरुषों की सूजन और यौन समस्याओं का भी हल है। शतावरी चूर्ण के और भी काफ़ी सारे फायदे हैं। शतावरी चूर्ण आम रोगों से स्वास्थ्य लाभ में मदद करने के साथ साथ कैंसर के उपचार की दवाओं के प्रभाव से जो शरीर पे जो साइड इफेक्ट होते हैं उसको भी धीरे धीरे वो कम करता है, उससे हमें छुटकारा दिलाता है। शतावरी चूर्ण से खांसी, डिहाइड्रेशन, दस्त, खसरा, पुराना बुखार आदि रोगों को ठीक करने में भी हम लोग शतावरी का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें उम्र को बढ़ने से रोकने के गुण भी पाए जाते हैं। अगर हम शतावरी का रोज़ाना सेवन करते हैं तो हमेशा जवान बने रहेंगे, ये भी गुण इसमें पाए जाते हैं। शतावरी चूर्ण सांस की नली के रास्ते की नमी प्रदान करता है। इसमें अच्छे एंटी डिप्रेशन की तरह काम करता है। हर्पिस, हाइपर एसिडिटी, लिकुड़िया आदि के इलाज में भी इसमें मदद
ले सकते हैं। किसी अगर महिला को लिकोरिया वगैरह है तो यहाँ पे शतावरी के सेवन से काफ़ी हद तक उन्हें आराम मिलेगा। इस जड़ी बूटी के उपयोग से पेट का अल्सर, गुर्दे, फेफड़े और पेट की सूजन का इलाज भी संभव है। इस जड़ी बूटी को लेने का सर्वोत्तम तरीका चूर्ण रूप में ही है, क्योंकि इस जड़ी को जीभ पर रखने से पाचन क्रिया आरंभ होती है और शरीर को इस प्रक्रिया को शुरू करने के सिग्नल मिलते रहते हैं। इसको गोलियों के रूप में भी आप ले सकते हैं और तरल के रूप में भी ले सकते हैं। गुड़ में मिलाकर जैम भी बनाया जा सकता है इसका, और घी में मिलाकर भी लिया जा सकता है। तो हम काफ़ी तरह से जो है शतावरी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हमें कितनी मात्रा में शतावरी चूर्ण का इस्तेमाल करना है, चलिए हम लोग जानते हैं थोड़ा। शुरू में आप 1/4 से आधा चम्मच ही लें तो आपके लिए बहुत ही बेहतर होगा। इसको 1 गिलास गर्म दूध या गर्म दूध में लें, जिसमें आप शहद या चीनी मिलाकर ले सकते हैं। फिर इसकी मात्रा आप धीरे धीरे 2 चम्मच, 1 से 2 चम्मच तक कर सकते हैं, यानी 3 से 10 ग्राम तक आप ले सकते हैं धीरे धीरे। शुरुआत में आपको आधा से थोड़ा कम ही लेना है, और धीरे धीरे फिर जब इसका उपयोग आप करने लगेंगे तो आप इसका डोज बढ़ा सकते हैं। आइए जानते हैं कुछ नुकसान भी है शतावरी के। शतावरी का सेवन सेवन जो है चूर्ण कैप्सूल या सीरम के रूप में लोग करते हैं, सभी करते हैं। अगर चूर्ण के रूप में आप ले रहे हैं तो दूध आपको पीना कंपलसरी है। अगर आप शतावरी चूर्ण का उपयोग करते हैं तो बिल्कुल दूध पिए आप। कुछ और सावधानियां भी इसके सेवन के समय आपको बरतना चाहिए। प्रेग्नेंट लेडीज जो होती है उनको नहीं लेना है। हाई बीपी वाले, जिनको हाई बीपी है वो भी बचे। और किडनी पेशेंट जो है, इसका सेवन आप डॉक्टर से पूछ कर ही करें। जो किडनी पेशेंट है वो डॉक्टर से पूछ के करें। इसमें ड्यूरेटिक होता है जो दवाइयों के साथ हानिकारक होता है, क्योंकि इन सारे जो पेशेंट होते हैं ये रेगुलर दवाई लेते हैं, तो उनके साथ शतावरी लेना हानिकारक हो सकता है। तो आप अपने किसी अच्छे चिकित्सक से सलाह लें शतावरी के बारे में, तो इसका ज़्यादा आपको बेनिफिट हो सकता है और भी। चलिए दोस्तों, इस वीडियो के लिए इतना ही। फिर जानेंगे अगले वीडियो में कुछ और महत्वपूर्ण औषधि पौधों के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद। घर में रहे, सुरक्षित रहे। धन्यवाद।